मुंबई के BMW हिट एंड रन मामले में हर दिन नए पहलू सामने आ रहे हैं। पुलिस ने मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए 23 साल के मेहर शाह और उसके ड्राइवर रजनीशी बिदावत को आमने सामने बिठाया और पूछताछ की। इस दौरान दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। शाह ने कबूल किया कि दो पहिया वाहन को टक्कर मारने के बाद उसने अपने ड्राइवर के साथ सीट बदल ली थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी की मौजूदगी में घटनास्थल पर पूरे हादसे का नाट्य रूपांतरण कराया। मेहर शाह और उसके ड्राइवर बिदावत ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता था कि दो पहिया वाहन से टकराने के बाद महिला कार के नीचे फंस गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। वहीं शाह ने अफसोस जताते हुए कहा कि उसने जो किया उसका पश्चाताप कर रहा है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार BMW कार ने मुंबई के वर्ली इलाके में कावेरी नखवा नामक महिला को कुचल दिया था। कुचलने की वजह से महिला की मौत हो गई। कार ने महिला को करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा। इस हादसे में उनके पति प्रदीप नखवा भी घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मिहिर 2 दिनों से अधिक समय तक लापता था। वह उसी BMW कार से बांद्रा के कला नगर इलाके में गया। पुलिस ने मिहिर के ड्राइवर राज ऋषि बिदावत को भी गिरफ्तार कर लिया, जो कार में सवारी के दौरान उसके साथ ही था। बाद में मिहिर ने अपने पिता राजेश शाह को फोन किया और घटना के बारे में बताया। इसके बाद राजेश ने अपने बेटे को शहर छोड़ने को कहा और उससे कहा कि राजश्री दुर्घटना की जिम्मेदारी ले लेगा। अपने पिता से बातचीत के बाद मिहिर इधर उधर छिपने लगा। इस पूरे हादसे से पहले शनिवार रात मिहिर शाह और उसके दोस्त बार गए थे। आबकारी विभाग में एक अधिकारी ने पहले बताया था कि बार में कर्मचारियों ने मिहिर को शराब दी थी। वहीं बार प्रबंधन ने शाह पर नकली पहचान पत्र दिखाने का आरोप लगाया है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।